तो जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ बीवॉक कोर्सेज के बारे में। बीवॉक क्या होता है? बैचलर ऑफ वोकेशनल वोकेशनल स्टडीज। तो अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यार, देखो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग। रामानुजन कॉलेज के अंदर जो बीवॉक हो रहा है उसके अंदर है बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BFSIA सेक्टर। रामानुजन कॉलेज के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी सेक्टर के अंदर भी करने को मिल जाएगा। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के अंदर एडवांस डिप्लोमा एंड टीवी प्रोग्राम एंड न्यूज प्रोडक्शन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब इन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंस यानी कि आप इन कोर्सेज को क्यों करें, क्योंकि एक बैचलर वोकेशनल है इसलिए आप नहीं करोगे क्या इसको? आपको क्या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स ही उस पर लिखा होना चाहिए? इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि इन कोर्सेज के अंदर आपकी रेगुलर ग्रेजुएशन के अंदर कोई डिफरेंस है। आप प्रॉपरली एलिजिबल हो आगे फर्दर किसी भी चीज को करने के लिए। आप MBA कर सकते हो, आप मास्टर्स स्टडी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक रेगुलर डिग्री है और कॉर्पोरेट रेडी कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, स्किलफुल कोर्सेज है, इसलिए इनको वोकेशनल कोर्सेज बोला जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि ये होता है क्रॉस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए, ओपन एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। ओपन एलिजिबिलिटी क्या होता है? इसमें अप्लाई करने के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फाइन, अब मैं आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखा देता हूँ पहले, और फिर मैं आप लोगों को इनके स्कोप के बारे में बताऊंगा। तब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मेरे लिए कौन सा कोर्स वर्क करता है। अगर आप सोच रहे हैं मेरे को बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिला, क्या पता आपके पास एक ऐसी स्पेशलाइजेशन इन कोर्सेज के अंदर मिल जाए जो आप इसी साल करना चाहो। बीवॉक बैंकिंग एंड ऑपरेशन आप देख सकते हो, ये एक बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट्स भी कर सकता है और एक BBA स्टूडेंट भी कर सकता है। बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इस नाम को ना काफ़ी सारे लोग ना कन्फ्यूजन में डाल लेते हैं कि भाई ये बीवॉक है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा हुआ है। इट इज़ मोर सिमिलर टू BCA कोर्स। अगर आप कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसका क्या करना है आप लोगों को, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिलेबस निकालना, सिलेबस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये DU की वेबसाइट है, यहाँ से आप जाओगे और जिस भी कोर्स की आप चाहते हो कि मैं उसका अपना देखना चाहता हूँ सिलेबस, तो आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला कोर्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इस कोर्स का आप लोगों को सिलेबस देखने को मिल जाएगा सेमेस्टर वाइज। नीचे इसको PDF को जाके ओपन करना। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से गो थ्रू कर सके, है ना। हर टाइम मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ना ही आप लोग इधर उधर सर्च करेंगे तो भी कन्फ्यूज रहेंगे। आपको क्या करना है, इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कोर्सेज सिलेबस सर्च करना है, या गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब जब आप इन लोगों का सिलेबस देखो ना, सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉपरली पूरा पूरा मैच करता है BCA से। बस इसका नाम BCA नहीं है, ठीक है। आप लोगों ये इसीलिए नहीं करोगे इसको क्योंकि इसमें BCA नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी क्वालिटीज आप लोगों को BCA के कोर्स में मिलेगी। इंग्लिश कम्युनिकेशन, फंडामेंटल सॉफ्ट स्किल्स, एनवायरमेंटल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के होता है। फाउंडेशन इसमें मैथमेटिक्स नहीं दे रखा, बस आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब नीचे आप देख लेना साइबर क्राइम एंड लॉस, ये आप लोगों को मोस्टली जो है फोर्थ सेमेस्टर में ही कराया जाता है BCA के अंदर। देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को रेलेवेंट दी जा रही है, किसके अंदर, बीकॉम सॉरी आपका जो बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स है उसके अंदर। और सेम अगर आप इनका, अगर आप BCA करना चाहते हो, जैसे कि आप टेक्निकल कोर्स के अंदर जाना चाहते हो, सेम आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का। और वेब डिजाइनिंग का जब आप सिलेबस चेक करोगे, इसके अंदर पाइथन भी आ रही है, HTML भी आ रही है, PHP भी आ रही है, सारी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है। लेकिन देखो मैंने जो रिव्यूज पढ़े ना, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता इसके अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करता है BCA का, ठीक है। साइबर क्राइम एंड लॉ इसमें भी आ गया, प्रोग्रामिंग विद पाइथन आ गई, PHP एडवांस आ गई, प्रोग्रामिंग विद पाइथन, यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको कराया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकल भी है प्लस थ्योरी भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यार इतनी बढ़िया तरीके से मिल रही है करने के लिए। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो आप DSU के अंदर जाएंगे, ठीक है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर। अब उसकी वेबसाइट पर जाना और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है BCA पे, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और करिकुलम आपको इनका सर्च कर लेना है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस कंपेयर कर लेना दोनों का मिला के।
बहुत ही कम ऐसी चीज होंगी मैथमेटिक्स को सोच के छोड़ के जो इसमें मैच ना करती हो, क्योंकि मैथमेटिक्स बीसीए में कंपलसरी कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं ना आप लोगों को इसमें भी मिलेगी और उसमें भी मिलेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी के बीसीए के करिकुलम को आप मिला के इसमें चेक कर लेना, थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे तो मिलेगा ही आप लोगों को, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, बट हाँ बहुत हद तक आप लोगों को सिमिलरिटी मिल जाएगी। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मेरे को कम फीस स्ट्रक्चर रहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन। देखो वेब डिजाइनिंग के अंदर फीस कितनी आ रही है आप लोगों की, 15,000 पर ईयर की फीस आ रही है। इसके बाद आप एक ये कोर्स देखो इनका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये बीबीए की एक स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, एमबीए की स्पेशलाइजेशन होती है, वैसे तो एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से चाहते हो कि मैं मेरे को एक एचआर की पोस्ट पे काम करना है, तो आप लोग क्यों ना बीबीए इन बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लो। नीचे आपके पास मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस का ऑप्शन अवेलेबल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस का ऑप्शन है। ये प्रॉपरली स्पेशलाइजेशन है, इनमें मैथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सब एलिजिबल हैं, ओपन एलिजिबिलिटी कोर्स बोलते हैं इनको। आप डीयू जेट के साथ कंपैरिजन मत करना, वो बीएमएस आ गया आप लोगों का, बीबीए आ गया बीबीई, और दूसरा आपके पास आ गया बीबीए एफआईए। तो ये कोर्सेज है इनके अलग डीयू जेट के अंदर, जिनके अंदर एक्सक्लूसिवली मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल कोर्सेज है करने के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट। और इसके बाद देखो ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इनके बाद आप अपनी मास्टर्स भी कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा देखो टूरिज्म एंड मैनेजमेंट आ गया। अब कोई स्टूडेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म के कॉलेजेस पर सर्च कर रहा है बीबीए के लिए, आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हो अप्लाई, करो ना। 10,000 रुपये फीस है साल की, 30,000 रुपये में आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री मिल रही है, प्रोफेशनल कोर्स। अगर आप इन्हीं सेम कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर अगर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सर्च करने जाओगे तो 1 लाख पर एनम आप लोगों को मिनिमम मिलेगा दिल्ली के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज की फीस ही देख लो कितनी मिनिमल अमाउंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे करने को मिल रही है। फाइन, अब हम जानते हैं इसके और भी ज़्यादा डिटेल्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस ब्रोशर के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप लोगों को इसमें डोमेन दिखाऊं, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप इनकी मिनिमम एग्रीगेट एलिजिबिलिटी देखो, 40 से ऊपर अगर आप लोगों की परसेंटेज है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि वीवॉक एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया, अब यहाँ पे आप लोगों को कलर प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कैसे पूरा प्रोसेस चलता है उसके बारे में दिखाया जाता है। इतना पॉपुलर कोर्स नहीं है, लेकिन वेब डिजाइनिंग ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स। हेल्थ केयर मैनेजमेंट बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है आने वाले टाइम में, आपको पता है हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स आप लोगों को कितनी जल्दी मिल जाती है, एडमिन डिपार्टमेंट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखना हो हॉस्पिटल का, तो ये इसके लिए बहुत ही फास्ट ग्रोइंग आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अंदर आप मास्टर्स भी कर सकते हो, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन है रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी का। अब सेम ये कोर्स देख लो आप, ठीक है, बी वॉक इन रिटेल मैनेजमेंट। अब जाना सीधा अदर यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे, ठीक है, उनके कोर्सेज सर्च करना और वहाँ पे सेम कोर्सेज आप लोगों को डिफरेंट नेम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, बीवॉक इन रिटेल मैनेजमेंट। अब आप जाओगे किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के पास और वहां पे देखोगे बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, देर इज नो डिफरेंस, ठीक है। रिटेल मैनेजमेंट बस नाम का ही फर्क है और एक दो सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा होगा, कोई सब्जेक्ट वही दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा होगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे अपनी स्ट्रीम को स्विच कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मैं मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहता हूँ, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो बीवॉक कोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया बीवॉक कोर्सेज के बारे में, इनका सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और यहाँ पे जिस भी आप क्लिक करोगे उसका पूरा सेमेस्टर वाइज सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नाउ हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता है अभी एक नोटिस आया था सीयूईटी का, जिसमें पूरा एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस दिया गया था कि भाई सीयूटी बेस्ड इस पर एडमिशन होंगे। अभी तक ये हो रहे थे मेरिट बेस्ड हो रहे थे बीवॉक कोर्सेज के अंदर एडमिशन, अब होंगे इस साल सीयूईटी बेस्ड, और सीयूईटी बेस्ड के अंदर आप लोगों को देना होगा इसके लिए जनरल टेस्ट, क्योंकि ये ओपन स्ट्रीम स्टूडेंट जैसे कोर्सेज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर आर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, और ये किसके लिए था, कॉमन स्टूडेंट्स के लिए था कि कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, प्लस
क्रॉस स्ट्रीम का स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो ये इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको देना होगा जनरल टेस्ट अपने सीयूईटी के एग्जाम के अंदर, जिसमें आपके साथ ये सेक्शन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो हमको बोलते हैं कि क्लास 10th लेवल की आप लोगों की अर्थमेटिक्स होती है या फिर मैथमेटिक्स होती है, ये आप लोगों को पढ़नी है। अभी भी अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं डोमेन की तैयारी करूं, मेरे बीए के उसमें क्या आएगा, तो भाई आप लोगों ने फिर अपनी आर्ट्स पढ़ी ही नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या पूछते हैं, सर बीकॉम के डोमेन में मैं तैयारी कैसे करूं? आप उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी आप एक साल से तैयार कर रहे थे। एक ये तो वो वाली बात हुई कि आप एक कोर्स करके आए हो और मैं मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को दोबारा से वाला कोर्स करा दो और मैं आपसे ही ये वाला चीज़ दोबारा से सीखना चाहता हूँ। आप अपने आप को अंडररेट मत करो। आप अपने आप को ये मत समझो कि मेरे को किसी की ज़रूरत ही पड़ेगी। जिन चीज़ों में ज़रूरत है वो आप लो एक्सटर्नल सोर्सेज से, लेकिन ऑलरेडी आप जब जो एक साल से पढ़ रहे हो, डोमेन अपना पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें आप लोगों की इस चीज़ की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। लेकिन फॉर दीज सेक्शंस, जैसे कि जनरल टेस्ट की मैं बात करूं, यस यू नीड प्रिपरेशन, क्योंकि आपने ये क्लास 12th के अंदर नहीं पढ़ी है और आप इसके लिए अलग से टाइम भी नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, टाइम नहीं निकाल पाते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस पे फोकस करो। वोकेशनल कोर्सेज का आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और आप इनके थ्रू आगे मास्टर्स कर सकते हो और अच्छे लेवल पे कर सकते हो, अच्छे लेवल में एडमिन डिपार्टमेंट में कॉर्पोरेट्स के अंदर आप जाके जॉब कर सकते हो। 60 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा। इसके साथ में आप लोगों का आपको एक लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 1A के अंदर से होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश आप अपनी सिलेक्ट कर लेना। इस तरीके से आप लोगों का जो एडमिशन है जो बीवॉक के कोर्सेज के अंदर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है। मेगा बैच हमारा 1st अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को 8 बजे आज विकांशु सर लाइव पढ़ाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे मेगा बैच के अंदर। अमृता मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आप लोगों के। तो 8 बजे आप सभी आके लाइव ज्वाइन कर सकते हो मैम के साथ, जिसमें हम आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं लाइव, डेली लाइव होता है, एक भी दिन हम स्किप नहीं करते हैं। और जिस दिन आप लोग अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाते उसको नेक्स्ट डे आके आप अपना देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर, मैंने लिंक ऊपर पिन कर रखा है, आप जाके ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें। और आज 8 बजे जो हमारी लाइव क्लास है शार्प 8 PM हम आ रहे हैं, आपको भी आना होगा। ठीक है, 8 PM आप आके अपनी क्लास को अटेंड करो, जो कि बिल्कुल ओरिएंटेड है आप लोगों के CUET के लिए और इसमें आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, पॉइंट्स कवर हो जाएगी आप लोगों के। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू इनके अकॉर्डिंग आपको पैसे नहीं देगी, लेकिन जहाँ पे आप उनके लिए कुछ नया कर रहे हो, कुछ उनको बना के दे रहे हो, ऑब्वियसली देयर विल बी स्कोप। ये सब आप लोगों का स्किल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, DU का नोटिस भाई अभी तक नहीं आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी तक कुछ भी मेरे को देखने को नहीं मिला है। मैं भी डेली रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि भाई मैं अब डेली 9 बजे आप लोगों के लिए लाइव कंडक्ट करा करूँगा एडमिशन सपोर्ट्स रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की बात करा करेंगे, कोर्स के हर एक कोर्स के बारे में बात करा करेंगे। सो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देके और आप लोगों से इंटरेक्शन करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।